तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानकारी करेंगे गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग को कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारा चैनल प्रकाश मोटर ड्राइविंग स्कूल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि आपके अलावा आपके दोस्तों के पास भी मेरा वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्टीयरिंग को कैसे पकड़ना ये देखते हैं। ये स्टीयरिंग जो है दोस्तों, इसको हम लोग एक क्लॉक घड़ी समझ लेते हैं, ठीक है। और घड़ी में जब 2:10 बाकी होते हैं, उस समय सुई कहाँ कहाँ होती है वहाँ पे हमको स्टीयरिंग पकड़नी है। जैसे 2:10 तो एक हाथ एक सुई यहाँ पर होगी मिनट वाली, और घंटे वाली सुई यहाँ 2 पे होगी। ऐसे स्टीयरिंग पकड़ेंगे और ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे एक उंगली स्टीयरिंग के ऊपर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि नए नए में हम लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग कस के पकड़ लेते हैं। जब ऐसे पकड़ेंगे तो और ज़्यादा दबाव स्टीयरिंग पे पड़ेगा और स्टीयरिंग मोड़ने हम लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए ऐसे पकड़ेंगे तो स्टीयरिंग ज़्यादा कस के नहीं पकड़ सकते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। और ऐसे पकड़ते हैं स्टीयरिंग। इसके अलावा जब स्टीयरिंग हम लोग मोड़ते हैं तो सबसे पहले तो ये जानकारी करेंगे दोस्तों, स्टीयरिंग कैसे पता करेंगे कि हमारी सीधी है, मतलब सीधी स्टीयरिंग में पहिया हमारे गाड़ी के सीधे हैं या मुड़े हुए हैं। अगर स्टीयरिंग ये घुमा के जैसे ये स्टीयरिंग पकड़ें दोस्तों, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करके हम लोग जैसे ही चालू करते हैं, जब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो अपने आप समझ में आ जाता है गाड़ी सीधी जा रही है कि मुड़ी हुई है। अब जैसे ये गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब जैसे अगर पहिया मुड़े हुए होंगे, क्योंकि पहिया जब स्टीयरिंग ये घूम के एक चक्कर पूरा लगाती है, अगर ये घूम के एक चक्कर पूरा राइट साइड को लगाएगी तो पहिए राइट को मुड़े होंगे, लेकिन स्टीयरिंग फिर सीधी आ जाती है देखने में। और अगर लेफ्ट को जो एक चक्कर लगा के सीधी हो जाती है तो पहिया लेफ्ट को मुड़ जाते हैं, लेकिन स्टीयरिंग हमको सीधी दिखेगी। इसलिए पहले स्टीयरिंग एक गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर गाड़ी सीधी चलती है, ये देखिए सीधी चल रही, तो इसका मतलब स्टीयरिंग हमारी, ये देखिए पहिया मुड़े हुए थे, स्टीयरिंग एक चक्कर लगा के घूम के जब सीधे किए तब गाड़ी सीधी हुई, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा हम लोग स्टीयरिंग मोड़नी कैसे है, घुमानी कैसे है, ठीक है। तो जैसे यहाँ ऐसे पकड़े हम लोग, तो ऐसा नहीं जब कहीं मोड़ते हैं किसी तरफ घुमाते तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा छोड़ के ऐसे नहीं मोड़ते हैं, गाड़ी ऐसे है ये पकड़े हैं। जब ये हाथ मोड़ते मोड़ते इधर जैसे लेफ्ट को मोड़नी, ये हाथ मोड़ते मोड़ते यहाँ पर आ जाएगा, तब ये लेफ्ट वाला हाथ यहाँ पर पकड़ेंगे और राइट वाला फिर वहीं पर जहाँ पर पकड़ना होता है, ठीक है। इस तरह से स्टीयरिंग बड़ा बड़ा, मतलब जितनी ज़्यादा कम से कम छोड़नी पड़े स्टीयरिंग, राइट को मोड़ते तो ऐसे, जितनी ज़्यादा ज़्यादा हम लोग मोड़ें एकदम स्टीयरिंग पूरी थोड़ी थोड़ी नहीं काटेंगे, ठीक है। चलाते समय हम लोग देखते हैं रोड पे चलाते समय स्टीयरिंग कैसे यूज करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। देखिए पहला गेयर डाल दिया, फर्स्ट गेयर डाला और हमने मिरर को सेट कर लिया। और दोस्तों गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का ज़रूर यूज करें, बिना सीट बेल्ट के तो आपको गाड़ी चलानी नहीं, एक किलोमीटर भी नहीं चलानी है। सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए दोस्तों हमने सीट बेल्ट लगा ली, अब गाड़ी फर्स्ट गियर में डाल के आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हमारी स्टीयरिंग को आप जज कीजिए, हम किस तरह से मोड़ते हैं, इधर मोड़ना ऐसे, देखिए अभी तक स्टीयरिंग हम नहीं छोड़े हैं, सीधे किए तब भी स्टीयरिंग वहीं पकड़े, थोड़ी बहुत मोड़ने में तो स्टीयरिंग छोड़नी ही नहीं होती है, क्योंकि जब सीधी करें, अब जैसे इस साइड है लेफ्ट साइड चल रहा है, राइट साइड में चलना है, इतनी काट ली, ये राइट साइड में आ गए, और जब राइट साइड में आ गए तो सीधी करने के लिए फिर उतनी सीधी करनी पड़ेगी, फिर वहीं हमको पकड़ना पड़ेगा, इसलिए हम लोग छोड़ते ही नहीं हैं। सेकेंड गियर डालते हैं। हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।